हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं वीवीए कोड के बारे में। वीवीए कोड कैसे इस्तेमाल करेंगे और ये वीवीए कोड हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल करेंगे और एक्सेल से ही हम इस वीवीए कोड को लगाएंगे। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम रो काउंट करने के बारे में सीखेंगे कि क्या कोड लिखें कि वीवीए कोड में हमारा रो जो है काउंट करके हमें मिल जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। आपके पास जो भी वर्जन है कोडिंग सेम होगी, ठीक है। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया मैं, ठीक है। और अब यहाँ पर कोई नंबर मैं देने वाला हूँ। अब आप काउंट कर सकते हैं यहाँ से 1, 2, 3, 4, ये 11 रोज हैं, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ से पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ ताकि ये चेंज ना हो। अब देखिए, अब हमको तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हम टोटल करते हैं डायरेक्टली। इसको मैं पहले बॉर्डर बना देता हूँ। ये लीजिए, बॉर्डर बना दिया हमने। अब हम इसको टोटल करेंगे, कितने रोज हैं आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 11 रोज हैं। इसका कोड हम कैसे लिखेंगे, चलेंगे डेवलपर टैब पर और यहाँ से विजुअल बेसिक कोड को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर वो को हम कोड लिखेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है प्राइवेट, तो लिखा प्राइवेट हमने। फिर आप लिखिए सब SUB कमांड, यहाँ पे दे दीजिए कमांड। और यहाँ पर अब आपको अंडरस्कोर लगाना होगा और यहाँ पे देना होगा क्लिक, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर डिम लगाएंगे हम एल, चूंकि रो को काउंट करना है तो रो एज इंटीजर, इंटीजर के रूप में काउंट करेगा ये, ओके। इतना लिखने के बाद फिर नीचे आते हैं और यहाँ पर वापस से एल रो इज इक्वल टू वर्कशीट्स और यहां पर डेटा डॉट सेल्स, ओके। और आगे लिखेंगे रोज काउंट डॉट काउंट, रोज डॉट काउंट। और दूसरे वाले से हम स्टार्ट करेंगे यानी बी से, ओके। डॉट एंड एक्सेल अप, तो ये लिख दिया हमने। और डॉट रो लगाएंगे इसके बाद। और मैसेज बॉक्स में क्या आएगा उसको यहां पर हमें लिखना है। बॉक्स ब्रैकेट ओपन लास्ट रोज इज, जो भी लास्ट रो हो यहां पर डबल डॉट कॉमा एंड एल रो, बस यही कोड है। इतना ही आपको लिखना है और यहां से ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये आपका कोड हो गया। अब इस कोड को जब आप रन करेंगे तो लास्ट रो का नंबर बताएंगे। यहां पर देख सकते हैं रन। अब यहाँ पर ये जो डाटा लिखा हुआ है इसको देखिए, ये जो डाटा है ना इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ SURAJ, ओके। ये लिख दिया हमने। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो शीट है ना, राइट क्लिक करिए और यहाँ से आ जाइए रीनेम पर, और इस शीट को मैं वही नाम दे देता हूँ, अपना नाम SURAJ सूरज। तो सूरज नाम से ये शीट हमने सेव करी है। अब हम चलेंगे वापस से अपने कोड पर। तो ये हमारा कोड है, अब इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट रो इज 11 आ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हम इसमें थोड़ी चेंजिंग कर देते हैं। आइए देखते हैं चेंजिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर ये सब चीजें जो दिख रही हैं, यहाँ पे कर दिया मैंने 44, 77, 90, ऐसे हम
लिख देंगे कुछ ना कुछ चीजें और देखते हैं रो नंबर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। जैसे हमने अब आ गए हम 13, हमने कुल मिला के 13 रो बना लिए, इस पे भी मैं बॉर्डर लगा देता हूँ यहाँ से। तो अभी 13 रो हम लोगों ने बनाई है, तो अब हम चलेंगे वापस से अपने कोड विंडो पर। तो ये हमारी कोड विंडो है, अब इसको हम रन करवाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट रो इज 13, तो इस तरह से करके ये रो को काउंट करेगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ अगर हम इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग और करते हैं, यहाँ पे 66 कर दिया। ओके, अब हम वापस से चलते हैं कोड विंडो पर और यहाँ पे अब रन करवाते हैं। तो ये आ रहा है 14, आप देख सकते हैं जैसे ही रो बढ़ रहा है तो ये रो नंबर को काउंट कर ले रहा है। तो इस तरीके से हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी, ये VBA कोड आपको जरूर समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम कॉलम को काउंट करेंगे और बटन भी बनाना सीखेंगे। तो इंतजार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।